Good morning all my dear students. In the last class we have discussed sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now we are going for remaining two important compounds of sulfur. First one is H2S and second one jo sabse zyada important hota hai aapka, that is thiosulfate, sodium thiosulfate jise hypo bhi bola jata. First we are starting with H2S. Agar aap method of preparation ki baat karoge kisi bhi sulfide ke upar, agar aap H2SO4 pass karwa de to you will immediately get H2S gas, है ना. बट मेजरली वी विल पास दिस ऑन H2FeS. इन दैट केस इट इज प्रिपेयर्ड इन किप्स एपरेटस. जनरल मेथड आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि सल्फाइड आपका जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो तुरंत आपको H2S गैस दे देगा. इन द फर्स्ट रिएक्शन यू कैन सी यही हो रहा है आपका. सेकेंड रिएक्शन में भी अगेन Sb2S3, दैट इज एंटीमनी सल्फाइड, HCl के साथ रिएक्ट करते ही आपको H2S गैस दे दे रहा है ना. दैट यू विल लर्न इन द लिटिल बिट पार्ट ऑफ इट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आल्सो. प्रॉपर्टीज में कलरलेस गैस विथ रोटन एग स्मेल. गैसेस की सभी की स्मेल, जैसे अमोनिया की स्मेल, अमोनिकल स्मेल होती है, ये सब आपको पता होना जरूरी है. SO2 के लिए हमने पंजेंट स्मेल बोली थी, H2S के लिए रोटन एग स्मेल है. फॉस्फिन के लिए वी हैव सीन की रोटन फिश जैसी स्मेल थी उसकी. इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर, हेनरीज लॉ. अब H2S, सिंस सल्फर इज प्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी -2 है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी इसी से रिलेटेड है. इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एस इट डिकम्पोजेस इवॉल्विंग हाइड्रोजन. है ना, तो H2S प्लस X2, इसने X2 को X- में बदला, जो हाइड्रोजन निकल रही थी दैट कंबाइंड विथ X- और उसने 2HX बना दिया, ठीक है ना, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, सल्फर. अनलेस अदरवाइज मैंशनड आपको H2S को हमेशा सल्फर में ही ऑक्सीडाइज करवाना है. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. बस ओजोन में हमने थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर देखा था कि H2S तो सल्फर में ही जा रही थी बट उसके अलावा कोई भी सल्फाइड था वो आपका सल्फेट में बदल रहा था. बाकी इन जनरल सल्फाइड्स हमेशा सल्फर में ही बदलते हैं. H2O2 को भी ये क्या कर सकता है, रिड्यूस. अब किसमें रिड्यूस करेगा, H2O में, खुद ऑक्सीडाइज हो गया S में और साथ में आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी. HNO3 को इसने रिड्यूस कर दिया किसमें, NO2 में, ठीक है ना. आप रिएक्शंस को नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो बट जनरल इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा तो हमें तो सीधे N फैक्टर से जाना है कि इसका N फैक्टर 2 है. HNO3 में नाइट्रोजन +5 में था, इधर ये +4, 1 है, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट हो गया, है ना. जब ये इनको रिड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली ये KMnO4 को भी Mn+2 में एसिडिक मीडियम में बदल सकता है. H2SO4 को ये रिड्यूस कर देता है SO2 में और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये कन्वर्ट कर देगा आपका Cr+3 में, है ना. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, दैट इज एसिडिक नेचर. तो मुझे पता ही है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो एसिडिक नेचर की होती है. सो इट्स एक्वस सॉल्यूशन एक्ट एज ए वीक डाइबेसिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. और ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी ज्यादा देख चुके हैं. फर्स्ट स्टेप में ये डिसोसिएट हो रहा है H+ एंड HS- में, एंड अगेन HS- डिसोसिएट होगा H+ एंड S-2 में. सो नेट रिएक्शन विल बी 2H+ प्लस S-2. देयरफॉर इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स एज गिवन बिलो. NaHS भी बना सकता है, Na2S भी बना सकता है. एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन देखे थे इसके, एक H2S और NaHS का, एक NaHS और Na2S का. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स, गैस प्रॉपर्टी, दे आर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना. अगर आपने मेटल हाइड्रोक्साइड में H2S को पास करवाया तो सिंस मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेसिक नेचर का है, और वो आपका जैसे ही H2S गैस गई जो एसिडिक नेचर की है, फर्स्ट स्टेप में तो आपका सल्फाइड बना बट सिंस सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, वी हैव सीन इन एसिड, तो ये पॉलीसल्फाइड बना सकता है. जैसे सेकेंड स्टेप में आपका CaS में आपने 4H2S पास करवाया तो यू आर गेटिंग CaS5, है ना. इसमें नेट आपका S5 के ऊपर चार्ज अभी भी -2 है और कैल्शियम के ऊपर +2 है. तो जो सल्फाइड आयन S-2 था उसमें चार सल्फर आपके और जुड़ गए हैं. अब नेगेटिव चार्ज केवल पहले वाले और आखिरी वाले सल्फर एटम के ऊपर रहेगा. लाइक अगर मैं S5-2 की स्ट्रक्चर बताऊं आपको, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट.
ये इस तरह से पांच सल्फर है, नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एंड लास्ट, बीच वाले तीनों आपके जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यही सेम रिएक्शन उसने NH4 OH के साथ भी करवा दी। इन द फर्स्ट स्टेप आपका सल्फाइड बना है और सेकेंड स्टेप में आपका NH4 होल ट्वाइस SX+1 जितने भी आप H2S मॉलिक्यूल दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग, इसे पॉली अमोनियम सल्फाइड बोला जाता है, ठीक है। टेस्ट फॉर H2S, सबसे पहला टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग याद करते हैं ना, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आई एम नॉट डीलिंग सेपरेटली, सब रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, लाइक टर्न्स एसिडिफाइड लेट एसिटेट पेपर ब्लैक। क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक पर्पस ही आपको गैसेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह ध्यान रखने है ना। तो वी हैव सीन द टेस्ट ऑफ CO2 SO2 का देख लिया है हमने, अमोनिया गैस का टेस्ट देख लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब H2S गैस का टेस्ट है कि ये लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। लेड एसिटेट मतलब PbSO4, सॉरी कैल्शियम लेड एसिटेट इज CH3COO होल ट्वाइस PB। जैसे ही आपने H2S गैस पास कराई, यू विल इमीडिएटली गेट ब्लैक PPT ऑफ PbS, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है ना। गिव्स वॉयलेट और पर्पल कलरेशन विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है और JEE में काफी बार ये टेस्ट आपका पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एंड फॉर दैट यू हैव टू रिमेम्बर द रिएक्शन ऑल्सो कि Na2S है ना, सोडियम सल्फाइड प्लस Na2FeCN5 और NO, NO+1 फॉर्म में है यहाँ पर, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। ये दोनों कंबाइन करके Na4FeCN5NOS बना देते हैं, ठीक है ना। इसमें Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं है। ऊपर अगर आप देखोगे 2 सोडियम +2 -5 +1, तो यहाँ से नेट Fe के ऊपर चार्ज +2, बाद में अगर आप देखते हो तो +4 -5, ये आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। तो Fe अभी भी +2 में है ना, और ये -1 स्टेट में कैसे आया, ऊपर NO+ था और नीचे सल्फाइड आयन, इन दोनों ने कंबाइन करके NOS- बना दिया है। और ये JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, JEE में पूछी जा चुकी है। इसे लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन बोला जाता है। इनिशियली NO लिगेंड था, नाउ द लिगेंड इज NOS-, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आप डायरेक्ट H2S से इस रिएक्शन को ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, आपको बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज अभी मैंने Na2S लिया है ना, वी आर गिविंग दिस टेस्ट फॉर H2S, बट आई एम टेकन Na2S। व्हाई Na2S आई हैव टेकन, Na2S में सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा ताकि वो NO+ के साथ कंबाइन कर सके। बट इफ यू आर टेकिंग H2S, सो जस्ट नो वी हैव सीन कि H2S काफी ज्यादा वीक एसिड है, तो वो इतना ज्यादा सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा जिससे ये रिएक्शन परफॉर्म हो सके। बट अगर मैंने मीडियम बेसिक कर दिया तो बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे सोडियम सल्फाइड, जिससे आराम से अगर मैं NaOH ले रहा हूं तो सल्फाइड आयन का फ्री कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो वी कैन से दिस टेस्ट फॉर H2S, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यूज अगर देखूं मैं तो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस काफी ज्यादा यूज होगा आपका, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो ही रहा है, ठीक है ना। तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर 2 or 3 रिएक्शंस, लाइक इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ नहीं है क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज इसकी मुझे पता है ना। ज्यादा ज्यादा हम पॉलीसल्फाइड्स बोल सकते हैं, अदरवाइज वाटर में सॉल्यूबल है, कलरलेस गैस है विद रोटन एग स्मेल, रिड्यूसिंग एजेंट जब भी रिएक्शन देगा आप खुद ही पहचान सकते हो कि बस H2S को सल्फर में बदलना है। अगर फेरिक सॉल्ट हुआ तो फेरस में बदल जाएगा, H2O2 हुआ तो H2O में बदल जाएगा, HNO3 हुआ NO2 में, KMnO4 हुआ Mn+2 में, K2Cr2O7 हुआ Cr+3 में, H2SO4 हुआ SO2 में। तो ये सब रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको Mol2 में आइडिया दे चुका हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज होंगी उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हो जाएंगी। तो आई हैव गिवन यू कंप्लीट लिस्ट, है ना। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O। सबसे पहले अगर प्रिपरेशन की बात करोगे, फर्स्ट मेथड फर्स्ट रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये JEE में पूछी गई है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस अगर आपने SO2 एक्सेस में पास करवाई तो पहले है ना, पहली स्टेप में आप Na2CO3 प्लस SO2 करवा सकते हो। तो अगर जैसे आपने Na2CO3 प्लस SO2 करवाया, यू विल गेट Na2SO3,
है ना, और CO2 बाहर निकल जाएगी। अब उस Na2SO3 के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि SO2 गैस को अगर मैं पास करवा देता हूँ लाइम वाटर में, तो वह पहले अपना सल्फाइड बना रहा था, और एक्सेस में SO2 गैस पास करवाने पर वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जा रही थी। वही सेम रिएक्शन है, एक्सेस का मतलब आपने उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर था ही, SO2 फिर से पास करवाई, तो सोडियम जो सल्फाइड बना था मेरा Na2SO3 वो कन्वर्ट हो गया सोडियम बाईसल्फाइड में। तो ये रिएक्शन हमारे लिए ऑलरेडी आ चुकी है, और अब इस सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 को आपने अगर Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपको मिल गया Na2S2O3 प्लस H2O प्लस CO2। हमारे पास एक सिंपल सी मेथड ये भी होती है कि NO2SO3 के अंदर आप सल्फर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में पास करवा दीजिए, उससे भी आपको Na2S2O3 मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड, ठीक है ना। बाकी मेथड्स एज सच उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है हमारी। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, बट दिस फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू रिमेंबर। ओके, अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता हूँ, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो ये सभी क्रिस्टलाइन सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, गर्म करने पर वो वाटर अपना लूज कर देते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आपका इट इज यूज एज एंटी क्लोर। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लोर? द फाइबर टू बी कलर्ड इज पास थ्रू अ ब्लीचिंग पाउडर टैंक टू ब्लीच द सर्फेस, बट इन दिस प्रोसेस सम क्लोरिन इज अटैच टू द फाइबर विच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर डाइंग, एंड फॉर दिस पर्पज फाइबर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ हाइपो विच रिमूव्स द क्लोरिन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फाइबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जेई में पूछी गई है 2008 में। Na2S2O3 प्लस 4 क्लोरीन प्लस 5 H2O ना, ये आपका NaHSO4 प्लस 8 HCl बना दे रहा है, मतलब ये आपके फाइबर से क्लोरीन को रिमूव कर रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज एंटी क्लोर। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, जो क्लोरीन को उल्टा कर दे, और उल्टा मतलब अगर किसी के पास होगा तो उससे हटा देगा वो। रिएक्शन विद HCl, चूंकि ये आपका बेसिक नेचर का है, सॉल्ट है, बेसिक नेचर का है, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक तो सल्फर देगा और एक हमेशा SO2 गैस देगा, है ना। आप जनरल रिएक्शन बोल सकते हो H2O3 माइनस 2, ये भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, बट यहीं पर हम लोग कवर कर रहे हैं H2O3 माइनस 2 कि जब रिएक्शन आप 2H प्लस के साथ करवाते हो तो एक तो सल्फर अलग होगा प्लस SO2 गैस मिलेगी प्लस साथ में वाटर। तो यू कैन रिमेंबर दिस जनरल रिएक्शन, कहीं भी आए आप इसे याद रख सकते हो। यहां पर बस इतना डिफरेंस हो गया है कि हाइपो के साथ क्या था आपका Na प्लस था, H प्लस के साथ क्या था Cl माइनस, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको NaCl और मिल गया। अदरवाइज जनरल फॉर्मेट में आई कैन रिमेंबर दिस रिएक्शन लाइक दिस पे, है ना। एंड यही आपका टेस्ट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आर नॉट डीलिंग सेपरेटली, बट यहीं पर हम लोग उनकी काफी रिएक्शंस को देखते जा रहे हैं, है ना। दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइट एंड थायोसल्फेट। फर्क क्या है कि सल्फाइट जो था केवल SO2 गैस दे रहा था आपको, वेल थायोसल्फेट SO2 के साथ आपको सल्फर भी दे रहा था, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटी क्लोर, सेकेंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। थर्ड इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये आपका काफी रिएक्ट सॉल्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाता है, स्पेशली इसके सॉल्ट आपको Fe के साथ, Cu के साथ, Au के साथ और Ag के साथ, चार के साथ तो स्पेशली आपको याद ही रखने हैं, है ना। विथ Ag सॉल्ट्स, चाहे AgNO3 हो, AgCl, AgBr, AgI, सभी के साथ ये आपकी जो रिएक्शन देता है ना, दिस इज अगेन फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस, खूब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई में काफी बार पूछी गई। फर्स्ट स्टेप में Na2S2O3 प्लस 2AgNO3 है ना, पहले ही स्टेप हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैंने बोला था कि पहले प्रेसिपिटेट बनता है और फिर अगर एक्सेस में हो गया रिएजेंट तो वो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो यू कैन सी कि फर्स्ट स्टेप में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2S2O3 मिला है, सोडियम सॉरी सिल्वर थायोसल्फेट का, सो इन द फर्स्ट स्टेप इट विल फॉर्म सिल्वर थायोसल्फेट जिसका व्हाइट पीपीटी मिलेगा आपको, और वाटर में डिजोल्व करते ही ये Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा बार जेई में पूछी जा चुकी है आपको,
है ना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, अगर ये एक्सेस में हो जाता है ठीक है, तब ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। और कॉम्प्लेक्स को याद रखने का तरीका आपका 312, 3 फॉर सोडियम, 1 फॉर ए जी एंड थायोसल्फेट के लिए 2, तो यू कैन रिमेंबर द कोड 312। द सेम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विद द ए यू ऑल्सो, ए यू के साथ भी 312 कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। मोस्ट कॉमन रिएक्शन रिटर्न इन मैक्सिमम टेक्सट बुक्स डायरेक्टली लिखी होती है, बट एक्चुअली ये स्टेप वाइज होती है। ओके, ए जी बी आर के साथ भी सेम आपका हो जाएगा, 3 थायोसल्फेट, तब ये ए जी एस टू ओ थ्री होल थ्राइस माइनस 5 बना देगा प्लस बी आर माइनस। दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज इन फोटोग्राफी वेयर हाइपर हाइपो इज यूज एज फिक्सर, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है एफ ई सी एल थ्री के साथ, विथ एफ ई सी एल थ्री सॉल्यूशन हाइपो डेवलप्स अ पिंक और वायलेट कलर विच सून वैनिशेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपको सब ध्यान रखना है। उसका पहले वाइट था प्रेसिपिटेट, फिर आपका H2O पास कराने पर Ag2S का ब्लैक, और फाइनली एक्सेस में पास कराते सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब कलरलेस। बट इसमें इनिशियली आपको कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो पिंक या वायलेट कलर का है, जो डिसअपियर हो जा रहा है। द वायलेट कलर क्विकली डिसअपियर्स ड्यू टू द सॉल्यूशन रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड बाय थायोसल्फेट, ठीक है ना। तो फेरिक क्लोराइड का फिर से जो रिडक्शन हो रहा है उसके चलते ही आपका रिड्यूस हो जा रहा है, एफ ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 2 में चले गया, थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो गया, वो H2O3 माइनस 2 से टेट्राथायोनेट आयन H4O6 माइनस 2 में कन्वर्ट हो गया। AuCl3 के साथ यू कैन सी सेम रिएक्शन, बस हमने AuCl3 ले लिया है, तो शुरू में AuCl का प्रेसिपिटेट मिला मुझे प्लस 3 से प्लस 1 रिडॉक्स रिएक्शन भी है, Na2S4O6 प्लस NaCl, एंड बाद में उसने सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया 312। तो Au के साथ मैंने चौथा आपको बोला था याद रखने के लिए। तीसरा, चौथा आपका कॉपर के साथ, कॉपर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है यहाँ पर। आपका कॉपर इनिशियली आप देखिए प्लस 1-2 में था, अब वो प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है इन द सेकेंड स्टेप, और Na2S2O3 ऑक्सीडाइजेज इनटू Na2S4O6 इन द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है, 2CuCl प्लस Na2S2O3, इट इज गिविंग यू Cu2S2O3 प्लस 2NaCl, एंड इन द लास्ट फाइनल स्टेप यू आर गेटिंग द कॉम्प्लेक्स, जिसे याद रखने का तरीका 4-6-5 है, 3Cu2S2O3 प्लस 2Na2S2O3 गिव्स यू Na4Cu6S2O3 होल 5। दिस 4 रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इनफैक्ट आप 4 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज Ag और Au आर शोइंग सेम बिहेवियर Fe के साथ और कॉपर के साथ, है ना। बेसमेज के साथ उतनी कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, बट आप याद रखना चाहो तो ये भी 312 की जगह 313 हो गया, क्योंकि बिस्मिथ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, है ना। तो यू कैन रिमेंबर कि प्लस 1 वाले 312 बना रहे हैं, प्लस 3 वाले सीधे 313 में चले जा रहे हैं, कॉपर का स्पेशल 465 बन रहा है हमारा, ठीक है। रिएक्शन विथ HgCl2, पहले स्टेप में यू कैन सी कि केवल आयन एक्सचेंज हुआ है, सेकेंड स्टेप में जैसे ही सिल्वर की तरह है एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, पानी डाला आपने, यू आर गेटिंग द ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ AgS प्लस H2SO4, और AgCl2 और AgS आपस में रिएक्ट करके फिर से ब्लैक बना दे रहे हैं, ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में इसकी आयोडीन के साथ आप रिएक्शन मोल 2 में देख चुके हो इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, कि ये आयोडीन को आई माइनस में कन्वर्ट कर देता है, डीकलराइज द कलर ऑफ आयोडीन जो वायलेट कलर का होता है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया H4O6-2 ना। बी रिमेंबर कि दिस रिएक्शन इज शोड ओनली विथ आयोडीन, नेदर विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। मेरा एक स्टूडेंट था, जेई 2008 में दी थी उसने, और उसकी रैंक थी 123। अब उसको ये रिएक्शंस काफी बोली गई थी याद रखने के लिए, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना, बट एग्जाम में आते ही उसने सीधे टेट्राथायोनेट 2008 में यू कैन सी हाइपो की रिएक्शन क्लोरीन के साथ पूछी गई थी, एदर क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन नहीं था। बच्चों के लिए रिएक्शन याद रहती क्योंकि कॉमनली वो मोल 2 में काफी देख चुके होते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ये टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये NaHSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। रिड्यूस तो उन्हें भी HBr और HCl में ही करेगा, तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन Cl2Br2 एंड I2 की रिएक्शन के साथ, है ना। KMnO4 को नॉर्मल उसने Mn2O3 में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का,
है ना, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट जो छठा है हमारा, डला नहीं हुआ, इट इज द हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले आप इसे गर्म करोगे तो इट विल लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2S2O3 अलग हो गया प्लस 5H2O, और बाद में जब आप 4Na2S2O3 इसके 4 मोल लेके गर्म करते हो तो इट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू Na2SO4 प्लस Na2S5। दिस सेकेंड रिएक्शन इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बोल चुका था, हाइपो खूब इंपॉर्टेंट है। इसकी सभी रिएक्शन एंटी क्लोर की तरह डायल्यूट एसिड के साथ, कॉम्प्लेक्स एसिड रिएक्शन, HgCl2 के साथ रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन, एंड दिस सिक्स हीटिंग इफेक्ट वाली रिएक्शन की ये Na2SO4 प्लस Na2S5 है ना। यू नीड नॉट हैव टू रिमेंबर द बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि वो आपसे कोफिशियंट पूछने नहीं जा रहा। वी विल जस्ट आस्क की वॉट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है ना, एंड इफ ही इज आस्किंग फॉर द बैलेंस रिएक्शन दैट इज कोफिशियंट ऑल्सो, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग अवर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल टू, कि जस्ट फाइंड आउट द एन फैक्टर और आप इमीडिएटली उसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। इट इज अ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिएक्शन आई गई S4 आयोडीन के साथ, S4O6-2+2I-, है ना, H2O2 के साथ आप देख सकते हो कि इसने एक स्पेशल रिएक्शन दी है S3O6-2, बट दैट यू नीड नॉट हैव टू रिमेंबर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, यू कैन एस्केप दिस रिएक्शन, आई हैव जस्ट गिवन यू द इन्फॉर्मेशन पर्पज, ठीक है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो लीव दिस रिएक्शन, एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर इट्स स्ट्रक्चर, है ना। इसमें एक एस डबल बॉन्ड एस होता है, एक एस डबल बॉन्ड O-, और O-, तो इस तरीके से आप अपनी इन रिएक्शंस को यहाँ पर लर्न आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज फिनिशिंग अवर पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली, है ना। आफ्टर गोइंग थ्रू थ्योरी प्रॉपरली यू कैन सॉल्व द शीट, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बोली गई हैं अगर आप उन्हें ढंग से याद कर लेते हैं तो पूरी शीट आपसे सॉल्व हो जाएगी, ओके।